करोमि अहम मम सुदर्शन। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं लाइव हुआ हूँ और शिक्षण सूत्र कहते हैं सीटेट की तैयारी को देखते हुए आज मैं लाइव हुआ हूँ। अक्सर सभी से जितने भी शिक्षार्थी होते हैं कि वो जो है संस्कृत में बहुत अधिक कम लाते हैं, इसको मद्देनज़र देखते हुए मैं आप लोग के बीच में संस्कृत शिक्षण लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, जो है सारे वीडियो आप लोग देख भी चुके होंगे। मैंने पढ़ाया संस्कृत, मैंने पढ़ाया था संस्कृत क्या है। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित, और व्याकरण का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके सही तरीके से उसका स्वरूप तैयार करना, वो व्याकरण कहलाता है। और संस्कृत जो है आपका समधातु क्रिया, सम उपसर्ग क्रियाधातु और कत प्रत्यय लग करके बना हुआ है संस्कृत। और व्याकरण का अर्थ होता है किसी वस्तु को, किसी वस्तु को जो है टुकड़े टुकड़े करके क्या करना, टुकड़े टुकड़े करके उसके स्वरूप को अच्छी तरीके से तैयार करना व्याकरण है। अब शिक्षण के बातें सीटेट में आ करें कि जो संस्कृत व्याकरण के जो शिक्षण है, जो शिक्षण विधियां हैं, इससे पहले मैंने आपको शिक्षण बताया था शिक्षण क्या है, और शिक्षण के बाद हमने शिक्षण सूत्र बताया था, और शिक्षण सूत्र के बाद हमने आपको शिक्षण विधियाँ बताई, शिक्षण सूत्र के बाद हमने शिक्षण विधियाँ बताई थी, और शिक्षण विधियाँ ही चल रहा है। आज मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ शिक्षण विधियाँ, और काफ़ी उसमें आपने त्रय विधि विधिया हो था, तीन विधियाँ था, और तीन विधियों में मैंने एक विधि को समाप्त कर दिया था। दूसरा विधि लेकर के हम आए हैं लाइव, चलते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं और अच्छे तरीके से इस संस्कृत को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और पढ़ करके उस सही उसको जानते हैं और पारायण भी करते हैं, और एग्जाम में भली भांति उत्तर जो है सही तरीके से दे के आएँ। तो हम सबसे पहले सभी मित्रों को मेरी तरफ से नमो नमः। मित्रों, आप जानते हैं कि सीटेट में शिक्षण के बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षण ही यदि कोई किसी को नहीं आता है, शिक्षण अगर किसी को नहीं आता है तो सीटेट में संस्कृत में अच्छा अंक नहीं ला सकता। वाकि देखा जाए तो व्याकरण बहुत सरल देता है सीटेट में, लेकिन जो है जो ये संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है बहुत ही काठिन्य है। उस काठिन्य निवारण को लेकर के हम आप लोग के बीच में आए हुए हैं, और चलते हैं अभी एक एक शब्द को पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संस्कृत में ही सीटेट का जो है वो संस्कृत में ही पूछा जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं अन्य कोचिंग में नहीं दिया गया। एक ऐसी संस्था है जौनपुर की, ई लर्निंग विथ दुर्गेश में, जो संस्कृत में ही हम लोग वाच्य करेंगे और शब्दों को जानेंगे। चलते हैं, मैंने आप लोग को इसके पहले पढ़ा चुका था, इसके पहले जो नवीन शिक्षण विधियाँ थी, जो नवीन शिक्षण विधियाँ थी, उस नवीन शिक्षण विधियों को हमने पढ़े थे। नवीन शिक्षण विधि को अर्वाचीन विधि के नाम से भी जानते हैं, इसके जो है पाठ पुस्तक विधि है। पाठ पुस्तक विधि के बाद हमने पढ़ा था, उसको पढ़ चुके थे। प्रत्यक्ष विधि भी हमने पढ़ चुका था, और विश्लेषणात्मक विधि को हम चलते हैं। ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में कह रहे हैं कि नवीन शिक्षण जो पाठशाला की शिक्षण विधियाँ होती है, जो प्राचीन काल की शिक्षण विधियाँ होती थी, पाठशाला विधि जो होता था उसमें, पाठशाला विधियों में परंपरागत विधि भी कहा जाता था, और गुरु प्रणाली भी, पद्धति भी कही जाती थी। तो उसमें पाठशाला में किस तरीके से शिक्षक शिक्षण कार्य करता था और अपने शिक्षण को रोचक बनाता था। अगर किसी व्यक्ति को या शिक्षण कार्य करना नहीं आता है, वो शिक्षण के बारे में यदि नहीं जानता हो तो सही तरीके से शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। और सबसे जरूरी है कि हर शिक्षक के अंदर शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं, वो जरूरी है। इसीलिए इसको देखते हुए मित्रों ये सीटेट में रखा गया था। तो हम सारी चीज़ों को हमने आप लोग को बताया था, और अब हम चलते हैं संस्कृत शिक्षण विधया। कहते हैं संस्कृत शिक्षण विधया, तो इनमें हम सारे चीज़ को पढ़ चुके थे, और पढ़ना है हमको विश्लेषणात्मक विधया। यानी कह रहे हैं कि विश्लेषणात्मक विधि को पढ़ना है। अब क्यों प्रयोग किया गया विश्लेषणात्मक, कह रहे हैं विश्लेषणात्मक विधेय, और इनका शाब्दिक अर्थ हम दे जान लेते हैं, हम सब लोग जान लेते हैं। कहते हैं कि अस्मिन विधो पुरुडातः, अस्मिन विधो पुरुडातः अंशतः,
यानी अस्मिन् विधो प्रुणातः अंशतः विशो वस्तुः छात्रः रामो सम्मुख प्रस्तुयते है। सम्मुख माने क्या होता है मित्रों, क्या होता है ये सम्मुख आपका हो सामने, अप्रस्तुयते मत का अर्थ होता है प्रस्तुत करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक की अहम भूमिका होती है शिक्षण कार्य में, तभी जो कह रहे अनुकरणम भवती, यानी छात्र अनुकरण करता है। छात्र क्या करता है? अनुकरणम भवती, यानी अनुकरण करता है। अब किसका अनुकरण करता है? ज़्यादा करके शिक्षक का ही अनुकरण करता है। इसीलिए सीटेट में भी शिक्षण सूत्र बहुत ही उनके उच्च स्थान दिया गया है शिक्षण सूत्र का। और जिसको शिक्षण सूत्र आ गया, शिक्षण विधियाँ आ गई और जो उसके भाग हैं, अगर वो उसको अगर आ गया है तो वो जरूर शिक्षण में अधिक से अधिक अंक लाएगा। तो हम सबसे चलते हैं कि पुरुडात अंशतः, यानी पुरुडात अंशतः विशो वस्तुः छात्रः राम प्रस्तुयते, सम्मुख प्रस्तुयते है, यानी सम्मुख यानी सामने। अरे कि अस्मिन् विधो, यानी अस्मिन् माने क्या होता है? ये अस्मिन् है, अस्मिन् यानी इस, अस्मिन् का अर्थ होता है इस, विधो यानी विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। क्या करते हैं? पुरुडात अंशतः, पूर्ण से, और करें पूर्ण से अंशतः यानी अंश की ओर करें कि पहले अपने पूर्ण से अंश की ओर क्या विषय वस्तु हो, यानी अपने विषय वस्तु को करें। शिक्षक अपने विषय वस्तु को कहते हैं, अपने विषय वस्तु को छात्राणाम करें कि छात्राणाम सम्मुखे प्रस्तुयते है। छात्राणाम छात्रों के सम्मुख अर्थात सामने प्रस्तुयते है, यानी प्रस्तुत करता है। करें कि छात्र एक अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान अपने जो उसका विषय वस्तु है उस पहले पूर्ण रूप से क्या करता है? अपने विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अपने विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद और इस वजह से थोड़ा दिक्कतें आई, मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सभी को ये ज्ञान सभी मित्रों के पास पहुँचे और वो अपने सीटेट में शिक्षण में सफल हो जावे। तो हम पढ़ रहे थे कि करें अस्मिन् विधो पुरात अंशतः विषय वस्तु हो छात्राणाम सम्मुख प्रस्तुयते है। अब प्रस्तुत करना भी शिक्षक का एक कला होता है। करें कि जब तक ये करें कि अगर पूर्ण से अंश की ओर ले जाता है, पूर्ण से अंशतः यानी विधो पूर्णात अंशतः विषय यानी पूर्ण से अंश की ओर अपने छात्रों यानी पूर्ण से अंश की ओर अपने विषय वस्तु को छात्र सम्मुख प्रस्तुयते है, छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अब कहते हैं कि प्रस्तुत करना एक शिक्षार्थी एक शिक्षक जो है अपने शिक्षा कार्य के दौरान जो है अपने विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अंश की ओर छात्रों के सामने अपने विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। अब प्रस्तुत करना भी एक कला होता है और एक शिक्षक भी जितने भी शिक्षक हैं कलाकार ही होते हैं। जिसके अंदर कला नहीं है वो शिक्षक ही है नहीं। कह रहे हैं कि पढ़ाना भी एक कला है, शिक्षण भी एक कला है। और जो पारायण विधि जो प्राचीन काल विधि में हमने आपको पढ़ाया था, प्राचीन जो अर्वाचीन विधि के नाम से जाना जाता है, उसमें भाग में हमने पाठशाला विधि पढ़ाए थे। पाठशाला के क्रमशः हमने आप लोग पढ़े हुए थे और इसमें हम विश्लेषणात्मक विधि को पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब विशेषता इदम विधि व्याकरणम कथा पाठो पाठोपयोगी भवती। अब ये कह रहे हैं कि ये जो विश्लेषण शिक्षण विधि है अब किसी के लिए उपयोगी है। कहते हैं चलते हैं क्रमशः देखते हैं विशेषता यानी इस शिक्षण विधि की विशेषता क्या है, यानी एक विश्लेषणात्मक शिक्षण विधि की विशेषता क्या होती है। हाँ तो ये कह रहे हैं कि इदम माने यह विधि, यह विधि कौन? विश्लेषणात्मक विधि। ये कहते हैं व्याकरणम कथा, जो व्याकरण और कथा पाठोपयोगी भवति, व्याकरण के लिए और कथा पाठ के लिए उपयोगी होता है। कह रहे हैं व्याकरण के लिए भी उपयोगी होता है और कथा के लिए भी उपयोगी होता है। और कथा पढ़ोगे कि
कथा कथा भी पढ़े होंगे आप, आख्यायिका भी पढ़े होंगे जो काव्य के भेद हैं, उसमें भी जैसे कि कहते हैं व्याकरणम कथा उपयोगी भवती, यानी ये कहते हैं व्याकरणम व्याकरण के लिए भी ये शिक्षण उपयोगी है, और अगर कथा है उस कथा पाठ के लिए भी उपयोगी होता है। कह रहे हैं कि जैसे कथा करने के लिए, जैसे कहते हैं कि गायत्री मंत्र आप लोग भी जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। हेलो मित्रों, मैं जो है ई लर्निंग विथ में फिर से मैं आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, और मेरा यही ध्येय होगा कि आप अच्छे से अच्छा अंक लाएं संस्कृत में, और इसको जानने का प्रयत्न के कंठस्थ करिए। हम कहते हैं कि जैसे गायत्री मंत्र को सब लोग भी जानते हैं, कथा पाठ जिसे वैदिक मंत्रों को भी पढ़ाया जाता था, और पारायण विधि जो कक्षा पाठशाला की विधि और वाचीन विधि होती थी, न लिखने का साधन होता था न पढ़ने का कोई साधन होता था, पारायण करते थे। कह रहे कि बारंबार पठती विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु को बारंबार पढ़ता था। कौन पढ़ता था? शिक्षार्थी पढ़ता था, और शिक्षक बार बार उसको पारायण करता था, सामने सबके सामने जो शिक्षक पारायण भी करता था, बार बार उसको पढ़ता था सूत्रों के माध्यम से, सूत्र विधि के माध्यम से, और प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से, और विश्लेषण की विधि के माध्यम से। इनका उपयोगी यानी कह रहे हैं कि जो विश्लेषणात्मक शिक्षण है वो जो है वो अस्मिन विधो यानी इस विधि के माध्यम से पूर्णात अंशतः, यानी शिक्षक से पूर्णात अंशतः। और ये कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है, सर कुछ दिख नहीं रहा है, माफी चाहते हैं। और दिख तो रहा हो साफ लगभग, चलिए चलते हैं। विषय वस्तु छात्राणाम सम्मुख प्रति, कहते हैं कि शिक्षक अपने पाठ वस्तु को पूर्ण से अंश की ओर जो है छात्रों, अपने विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देना। अब प्रस्तुत करना भी एक कला है, कैसे प्रस्तुत करें? अगर ऐसे करें कि अगर कला नहीं होती प्रस्तुत, अगर पद्य पढ़ा रहे हैं अब गद्य की तरह प्रस्तुत कर देंगे तो क्या रोचक होगी? काव्य की उत्पत्ति होगी, रस की उत्पत्ति होगी। पढ़ा रहे हैं श्रृंगार रस का, अगर करुण रस उत्पन्न हो जाए तो करुण रस की तरह पढ़ा रहे हैं तो वो पाठ की जो अनुभूति है, जो रस है, वो व्यक्ति के अंदर अनुभूति नहीं हो पाएगा। अगर आप श्रृंगार रस का पढ़ा रहे हैं, या आप जो है करुण रस का पढ़ा रहे हैं, या कोई नौ रसों में से किसी का, वो रस व्यक्ति के अंदर जो है उत्पन्न होना चाहिए। कह रहे हैं कि पढ़ाने की जो शैली होती है ये नहीं, कह रहे हैं कि वह पहले की कक्षा कक्ष यानी कक्षा कक्ष में जाने के बाद पहले बच्चों को, शिक्षार्थियों को यानी जिज्ञासा उनके उत्पन्न करिए। जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तभी आपके शिक्षण को भली भांति वो समझेंगे, पढ़ेंगे भी, और उसके लिए उनके अंदर रुचि उत्पन्न करें। यानी जाने कक्षा में जाने पर सिर्फ अपने प्रकरण को लेकर के आप पढ़ाना शुरू कर दिए, ये क्या मायने रखता है पढ़ाना? ये नहीं, पहले शिक्षक का ये प्रथम कर्तव्य होता है पहले उस लायक के लिए कक्षा को यानी करें उस कक्षा को, वातावरण को यानी ज्ञानमय करिए। तो इसमें विश्लेषणात्मक हमने कहा कि ये जो है इस विशेषता इदम विधि व्याकरणम कथा पाठोपि, यहाँ पर हमने था इदम विशेषता यानी इसकी विशेषता क्या है। इदम माने इसकी यानी इस विधि माने तो विश्लेषणात्मक विधि। कह रहे हैं कि यह विधि क्या है? व्याकरणम और कथा पाठ उपयोगी भवती यानी पाठ उपयोगी भवती, यानी कह रहे हैं कि व्याकरण के लिए भी और कथा पाठ उपयोगी के लिए भी। व्याकरण जो पढ़ाते हैं सूत्र विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता था, जैसे कि आप लोग आज मैंने पढ़ाया था यूपी टेट में, आज हमारे यहाँ यूपी टेट का भी क्लास दो दिन से चल रहा है और उसमें व्याकरण ज़्यादा पूछा जाता है यूपी टेट में, और मैंने पढ़ाया था आज उच्चारण स्थानानी। तो जो व्याकरण है ये भी व्याकरण है, वर्ण परिचय है, तो उसका एक सूत्र होता है जैसे अकु विसर्जनीय नामकंठ है, और व्याकरण का मतलब कह रहे हैं कि ये जो बड़ी सी बड़ी सूत्र होता है कि व्याकरण ये होता है कि कहते हैं संस्कृत में संधि समास भी पढ़ाने सर भी जैसे कि अभी पढ़ाएंगे, लेकिन शिक्षण समाप्त हो जाए तब हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो ये कहते हैं कि जैसे कि व्याकरण होता है अकु विसर्जनीय नामकंठ है, यानी बड़ी सी बड़ी चीज को छोटी कर देना ही सूत्र विधि कहलाता है, और पाठशाला में ये विधि चलता था। और ये विश्लेषणात्मक विधि का जो प्रयोग होता है, जो शिक्षक प्रयोग करता था पाठशाला में, तो उसमें भी ये
प्रयोग करते रहे, इसी कह रहे हैं कि यह विश्लेषणात्मक विधि जो व्याकरण पढ़ाने में भी और कथा और पाठ के लिए भी उपयोगी होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे व्याकरण को विसर्जनीय नाम कंठ और इचुयसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंत, ऐसे ऐसे जितने भी उच्चारण स्थान है सूत्र के माध्यम से जैसे संधि पढ़ना हो तो वो भी प्रयोग करते थे। कहीं भारी से जो बहुत बड़ी सी चीज को तो सूत्र विधि के माध्यम से पढ़ाते थे। और ये विश्लेषणात्मक जो विधि है वो भी जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका फायदा उठाएं, वो लाभ उठाएं। मित्रों चलती जैसा कि मित्रों आप चलते हैं पाठ्यक्रम पर, कहते हैं ये है इदम विधि व्याकरण का पाठ उपयोगी भवती। अगर पूछ दिया एग्जाम में कि विशेषता कह रहे हैं कि अगर पूछ दिया व्याकरण और कथा पाठ उपयोगी कह शिक्षण अस्ति, कौन से शिक्षण होता है, तो आप विश्लेषणात्मक शिक्षण को बताएंगे। चलते हैं आगे इस शिक्षण विधि को। मैं आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से ज़्यादा व्याख्यात्मक ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा और जो आपको मुझे लगता है मुख्य बिंदु है जहाँ से प्रश्न उठने वाले हैं और वहाँ से मैं आपको मुख्य बिंदुओं को जो है मुख्य हट गए जो मुख्य बिंदु है उसको हम पढ़ा रहे हैं। अब विश्लेषणात्मक विधि हो गई। अब विश्लेषणात्मक विधि के बाद हम चलते हैं हरवटीय पंचपदीय प्रणाली, यानी कह रहे हैं कि हरवटी अगला शिक्षण सूत्र है, यानी अगला संस्कृत शिक्षण सूत्र है आपका हरवटीय पंचपदीय प्रणाली। हरवटी ही पंचपदी ही नामनीय प्रणाली, यानी हरवटी पंचपदी प्रणाली ये जो है पाठशाला की जो शिक्षण विधियाँ थी और ये इनका नाम है। एक हरबर्ट स्पेंसर थे और ये पंचपदी यानी चार पहले चार विधियाँ थी इनके में, अब ये जो है पंचपदी, पंच माने क्या होता है पांच विधियाँ हो गई, चतवार माने चार होता है, पंच माने पांच होता है, पांच विधियाँ उन्होंने संशोधन किया। हरबर्ट स्पेंसर ने जो है उन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था। आगमन और निगमन विधि, सर ये हिंदी में था, मैंने उसको पढ़ाते हुए संस्कृत में पढ़ाते हुए आगमन और निगमन विधि को मैंने बता दिया था सर। मित्रों माफ़ी चाहते हैं, दोबारा मैं फिर नहीं रिटर्न होऊंगा, मैंने वो बताया था। संस्कृत में आगमन निगमन विधि हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी में आजकल सब यूट्यूब पे डाले हुए हैं और इससे और उससे तुलना करेंगे तो बहुत अंतर है और उसके माध्यम से जो पढ़ेंगे जो हिंदी मीडियम से यूट्यूब पे डाला है या कहीं पढ़ाया गया है उससे इससे बहुत अंतर है। आगमन और निगमन विधि मैंने बता दिया उसका प्राचीन काल में क्या नाम था और ये जैसे आगमन विधि को अगर देखा जाए सूत्र विधि भी कहा जाता था, मेरे वीडियो में देखेंगे तो उसमें भी आगमन विधि को सूत्र विधि भी कहा जाता था, मैंने कई तरीकों से आपको बताया। और सब उसी तरीके से पढ़ाते कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं। हरबटी पंचपदी प्रणाली अस्य प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर महाभाग महोदय, यानी कहते हैं इसके प्रवर्तक अगर एग्जाम में पूछ भी देता है बहुत ही परिवर्तन पाएंगे आप लोग। अच्छा थोड़ा धीरे पढ़ाएं, चलिए ठीक है धीरे पढ़ाते हैं, वैसे भी मेरे शब्दों का अंतराल बहुत कम है, आपको लगता है कि यह समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपकी दृष्टिकोण से मैं और स्लो पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों समझ में आना चाहिए आपको, जैसे कहेंगे वैसे पढ़ाएंगे। और ये कहते हैं अस्य प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर महाभाग महोदय,
कहते हैं ये था पुराण विधि, ऐसे प्रस्तुत करते थे पाठशाला में, जैसे जैसे कि पाठशाला में पहले होता था, अब नहीं, अब तो बहुत ही परिवर्तन हो गया है। ऐसे अस्य प्रवर्तक हेनरिक हर्बर्ट स्पेंसर महाभाग महोदय, यानी अस्य प्रवर्तक है, अस्य प्रवर्तक है, इसके प्रवर्तक, किसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक हर्बर्टी पंचपदीय प्रणाली। इसमें से एक और इसमें से एक प्रश्न जरूर सीटेट में पूछेगा, और फिर मैं सीटेट का एग्जाम देने के बाद आप लोग आए फिर लाइव आऊँगा और उसको हल कराऊँगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा है। कुछ लोग को तो ऐसा लगता होगा कि रोचक नहीं है, लेकिन संस्कृत जो इसको आता रहेगा और जो प्रायण करेगा तो आपको करें कि मैंने बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटी कर दिया है और उसी में से प्रश्न जरूर पूछेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम होने के बाद मैं पुनः आप लोग के बीच में आऊँगा ले करके और बताऊँगा कि शिक्षण कहाँ से पढ़ाया था और कहाँ से प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर महाभाग है, धन्यवाद। इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी हैं। अब चलते हैं इनके एक एक क्रम को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हर्बर्टी पंचपदी पाठ योजना निर्माण हेतु, पाठ योजना थी बगल हो जा रहे हैं, पाठ योजना निर्माण हेतु, पाठ योजना निर्माण हेतु विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मन्यते, मन्यते यानी माना जाता है। क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ विधि यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि किसको माना जाता है, संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ विधि आती नहीं है, संस्कृत बहुत लोगों की नहीं आती है और क्या करें, संस्कृत के लिए प्राथमिक स्तर तक तो नहीं चल सकते, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से अभी आप लोग परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी जब थे तब संस्कृत जानते तो तब जानने का प्रयत्न किए होते तो अच्छा था, और अब देखते हैं कि सीटेट हुआ या यूपी टेट हुआ तो सब लोग संस्कृत को बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा जो है भरते हुए हैं, इंग्लिश को बहुत कम लोग भरते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन संस्कृत थोड़ा सा अध्ययन करेंगे लगभग सभी का 22 कितनों किसको कमाता रहेगा, अगर अध्ययन करेगा पारायण करेगा तो लगभग 22 से 25 तक जरूर, जिसको न आता होगा वो भी करके आएगा। पाठ योजना निर्माण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मन्यते, पाठ योजना पढ़ाने से पहले जाने से पहले पाठ योजना बनाई जाती थी, एक शिक्षक हैं आप भी और जब आपने सूक्ष्म शिक्षण विधियां या बृहद शिक्षण आप कर रहे थे तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले कक्षायाम यानी कक्षा में प्रविष्य है यानी कक्षा में प्रवेश करने से पहले पहले आप पाठ योजना को आप तैयार करते थे। योजना मतलब एक तैयार होती, किसी कार्य को करने से पहले उसको योजना बनाई, सहसा विदितम नम, कहते हैं कि अचानक कार्य जो करता है वो सफल होता है, वैसे शिक्षक भी सबसे पहले क्या करता था, पाठ योजना को तैयार करता था घर पर, मुझे कल क्या पढ़ाना है और किस कक्षा को पढ़ाना है और उस तरीके से पाठ योजना को तैयार करता है, कितनी सामायिक सामग्री हो, कितना मतलब हमारे शिक्षण में हमारा शिक्षण रोचक हो, प्रभावशाली हो और हमारे शिक्षण में जो शिक्षार्थी हैं विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी जो है रुचि ले, अगर नहीं रुचि लेंगे मेरे शिक्षण में तो कोलाहल करेंगे। नमो नमः, नमस्करोमि अहम्, नमस्करोमि अहम् सर्वे जनः, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर करें पाठ योजना निर्माण हेतु, यानी पाठ योजना निर्माण हेतु, निर्माण हेतु माने क्या होता है, कारण, और विधि सर्वश्रेष्ठ यानी पाठ योजना तैयार करने के लिए विधि, यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगर पाठ योजना तय एक शिक्षक से पढ़ाने से पहले जब पाठ योजना तैयार करता है तो सबसे पहले यह हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली के माध्यम से पाठ योजना को तैयार करता है और तैयार करने के बाद जो है वो अपने शिक्षण को कार्य करता है। अच्छा, संस्कृत में बनाए थे,
अच्छा खूब बनाए तो अच्छे तरीके से लाइए, बहुत अच्छा होगा। कम से कम अभ्यास करते कह रहे हैं कि अभ्यास करिए। अब आपको हम बताते हैं कि पारायण विधि से पढ़ना है, पारायण विधि से आप पढ़िए, जितने शेष बचे हुए हैं पारायण विधि से पढ़ेंगे तो अच्छा अंक जरूर लाएंगे। और विधि कोई अपनाइए मत, पारायण विधि अपनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कंठस्थ कर ले जाएंगे। और ये कंठस्थ याद करने की चीज़ नहीं है, पारायण करिए अभ्यास हो जाएगा। और अधिक से अधिक हमेशा हर सब्जेक्ट को एक बार आप देख लीजिए सरसरी निगाह से सबको, तब अच्छा अंक मिलेगा जरूर आप लोग को। और ये लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए ताकि सब लोग जो है इस चीज़ को जो अपरिचित है कहीं मिला हुआ नहीं है वो जान लें। और आप लोग लगता होगा कि आपको नया मिल रहा है, मुझे लग रहा है सब लोग जान रहे हैं कि आप ये नया चीज़ मिल रहा है, और नया चीज़ है ही है। और इससे पहले मुझे तो नहीं पता है, और कोई भी महाशय अगर पढ़ाए होंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो हमें जौनपुर में नहीं देखने को मिला। और एक ऐसी संस्था है ई लर्निंग विद दुर्गेश, जो आपको मतलब आपका उनका ध्येय यही रहता है कि इस चैनल का ध्येय यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हों। और तीन तीन संस्कृत के टीचरों को रखा गया है इसलिए कि आप लोग जो है कम से कम अच्छा से, जी 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 मैं पढ़ाता हूँ दुर्गेश जी के सानिध्य में, बहुत अच्छे हैं, प्रतिभा के धनी हैं। और आप लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप घर बैठे भी पढ़ ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा है प्रतिभा, बहुत अच्छे हैं, उन व्यवहार कुशल हैं, प्रतिभा के धनी हैं, कर्मनिष्ठ हैं और हृदय से विशाल भी हैं वो, और सभी के दिलों में अपने बातों से सभी के दिलों में अपने जगह भी बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और राजस्थान है, बहुत अच्छा है, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और सभी लोग का मैं फिर से नमस्कारों में हम करता हूँ। और दुर्गेश जी के सानिध्य में एक जो पुनीत कार्य हो रहा है उसको आप आगे बढ़ाते रहिए, और आशीर्वाद बनाए रखिए इस कोचिंग का और इस चैनल का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा, और शायद कुछ नए चीज़ को आगे आपको मिलेगा। चलते हैं अपने पाठ्यक्रम में, कह रहे हैं पाठ योजना निर्माण हेतु विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मन्यते, यानी कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधियाँ हैं, कैसे वे करें पाठ योजना को बनाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपने सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि को पढ़ चुके हैं, कह रहे हैं कि त्रय विधि यानी जो शिक्षण विधियाँ हैं, जी 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 अभी अभी होगा, ये सब प्रश्न के उत्तर ही है। आप थोड़ा सा कंठस्थ करिए, प्रश्नों को ले लीजिए पिछले, और देखिए इसी से पूछा जाता है, और व्यवहारिक ढंग से बनता है प्रश्न, और व्यवहारिक ढंग से अगर इसको देखेंगे तो मिलेगा आप प्रश्न का उत्तर। तो कह रहे हैं अस्मिन विधो चत्वार अस्त्राणि सन्ति, अस्मिन विधो चत्वाराणि यानी चत्वारी स्त्राणी संति, हाँ बगल हो जा रहे हैं कि स्त्राणी, कह रहे हैं कि अस्मिन विधो चत्वारी, चत्वारी माने क्या होता है चार, चत्वारी का अर्थ क्या होता है चार। और कह रहे हैं स्त्राणी यानी स्त्राण माने होता है स्तर, और कह रहे हैं संति माने क्या होता है, और अस्त माने भी है होता है, ध्यान दीजिएगा, संति माने भी है होता है और अस्ति अस्ति का अर्थ भी है होता है, और सा का भी अर्थ होता है वह, और सा का भी अर्थ होता है वह, ठीक। तो यहाँ पर भी हम जाते हैं अस्मिन विधो, अस्मिन यानी इस विधि, कौन सी विधि, इस विधि कौन सी विधि है, हरवटी पंचपदी प्रणाली विधि, इस विधि के माध्यम से, यानी अस्मिन विधि चत्वारी अस्त्राणी संति, यानी संति माने है, यानी इस विधि के अस्तर जो होते हैं वो चार होते हैं। पहले चार था, पहले कितना था, चार था, जब भी ये प्राचीन काल पद्धति चल रही थी, इसीलिए बहुत ही जी पाठ योजना के चलते, यानी इस करें इस पाठ योजना में ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानने के कारण इसको जो है सभी विधियों में पाठशाला विधियों पाठशाला में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि ये है हरवटी पंचपदी। एक प्रश्न इसमें जरूर पूछता है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई मित्रों। अस्मिन विधो चत्वार स्तराणि, चत्वार में चार होता है और स्तर यानी कह रहे हैं कि इस विधि के चार स्तर होते हैं। लेकिन इसका बाद में हर्बर्ट स्पेंसर जी ने क्या किया था, इसको जो है पांच भागों में उन्होंने परिवर्तित किया, तभी जा करके पंचपदी बना था, इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और इसी से एक प्रश्न जरूर पूछता है, चार हैं, कौन कौन से चार हैं? एक है स्पिष्टता, पहला है स्पिष्टता, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, स्पिष्टता को प्रस्तावना भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर स्पष्टता आ जाए या प्रस्तावना आ जाए, इसको प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है, दोनों नाम है, स्पष्टता यानी कह रहे हैं प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। स्पष्टता, अब अगला आता है सहयोग। नमो नमः। सहयोग को तुलना के नाम से भी जाना जाता है, जो सहयोग है वो तुलना के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं व्यवस्था, व्यवस्था को सामान्यीकरण, जी सामान्यीकरण अगला है, ये जो है व्यवस्था, तीसरा आपका व्यवस्था है, इसको दूसरे नाम से सामान्यीकरण के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मित्र ने पूछा कि आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन निगमन विधि क्या होता है कि आगमन होता है नियम, और नियम और आगमन होता है उदाहरण। इसको संस्कृत मैंने पढ़ा चुका हूँ पीछे, व्यवस्था। और एक अगला है व्यवहारिक प्रयोग, कौन सा प्रयोग, यानी व्यवहारिक प्रयोग है, ठीक है, आगे चलें। व्यवहारिक प्रयोग, व्यवहारिक, और इसको प्रयोग भी कहा जाता है। और अब कहते हैं कि देखिए पांचों, नहीं सर वो अलग है और ये अलग है, तो मेरे शिक्षा संस्कृत शिक्षण सूत्र में आगमन निगमन मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो जो है निगमन मतलब होता है सूत्र और आगमन मतलब होता है उदाहरण, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और कई तरीके से शिक्षण है, जैसे संस्कृत का शिक्षण अलग है और कहीं कहीं और सब शिक्षणें मिलती हैं, कुछ मिलती हैं इसके भी, पुनः फिर बताया क्लियर नहीं हुआ। चलिए ये कहते हैं कि अस्मिन् विधो चत्वारि स्तराणि सन्ति, यानी कह रहे हैं कि इस विधि में चार स्तर होते हैं, चार स्तर होते हैं। जैसे एक पहला है स्पष्टता, दूसरा है स्पष्टता, इसी को दूसरा नाम है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है सहयोग, इसको दूसरा नाम दिया जाता है तुलना विधि, और तीसरा है व्यवस्था, इसका अन्य नाम है अनंतर नाम सामान्यीकरण, और चौथा है व्यवहारिक, और व्यवहारिक का अनन्य नाम, दूसरा नाम है प्रयोग है। ये था आपका, अभी इस चारों है, अब नाम क्या है, हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली। अभी इसमें करें हर्बर्ट स्पेंसर महोदय महाभाग है इदम संशोधितम, यानी उन्होंने संशोधित कर दिया, चत्वार को पंचपदी कर दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के नाते अभी हो सकता है वीडियो सही ना चले हैं, चलता हो, चलिए चलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर है महोदय है महाभाग है इदम संशोधितम, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने इन चारों को संशोधित करके पंचपदी प्रणाली, अभी अंतर बताएंगे सर, अभी नहीं, सब आगे जब क्रमशः एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो उसमें प्रस्तुतिकरण और ये प्रस्तावना अलग
जैसे करें उसका नाम मैंने बताया, स्पष्टता का दूसरा नाम प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण हो गया है। मैं बहुत विसंगतियां हैं आप लोग में, आगे हम क्रमशः एक एक सीढ़ी चढ़ के चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क पढ़िए, तब ख, तब अंग तक चलिए, क्योंकि संस्कृत में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो कि कहीं आप लोग को भ्रम में डालते हैं और वो सही चीज़ को जानते हुए भी आप गलत करके आते हैं। तो इसी को क्लियर करने, इसी को स्पष्ट करने के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए लाभप्रद हो। चलिए, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय महाभाग इदम यानी यह संशोधितम यानी करें हैं। ठीक है, आगमन विधि मैंने पढ़ा दिया है। चलिए क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, हो सकता है तकनीकी कारण। चलिए, इदम हर्बर्ट स्पेंसर महोदय महाभाग इदम संशोधितम, इदम माने इसको संशोधित करके पंचपदीय कर दिया, पंच अस्त्रणानि सन्ति यानी पांच कर दिया। अच्छा, ठीक, धन्यवाद, ऐसे सब लोग शेयर करते रहिए और कह रहे हैं कि इसको पंचपदी कर दिए, जो हर्बर्ट जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे उन्होंने पहला किया था प्रस्तावना, अब इसको देखेंगे तो इनका होगा पाठोपस्थापनम और दूसरा इनका है प्रस्तुतिकरणम। अभी हम एक एक करके आप लोग को पढ़ाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ और इसीलिए मैं लाइव हुआ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक पाएं। दूसरा है तुलना विधि और चौथा, तीसरा है तुलना विधि और चौथा है सामान्यीकरण और पाँचवा है प्रयोग है ना, ये था प्रयोग है, पांच है ये पंचपदी, इसी के नाम से इन्होंने संशोधन किया, जो चार था हर्बर्ट पंचपदी का नाम इसलिए पड़ा, पहले ये चार था पाठशाला विधि में, अब ये विधि जो है चार से हो करके इदम संशोधितम हर्बर्ट स्पेंसर यानी हर्बर्ट स्पेंसर महाभाग यानी महोदय ने इसको क्या कर दिया, संशोधित कर दिया, पंच अस्त्राणी यानी पाँच संति यानी पाँच अस्त्रों में उन्होंने विभक्त कर दिया। पहला है प्रस्तावना, पाठो स्थापनम इसका दूसरा अन्य नाम है, और प्रस्तुति करण विषयोपस्थानम, और तीसरा है तुलना विधि, और चौथा आपका सामान्यीकरण, और अंतिम आपका है प्रयोग। अब हम चलते हैं हर्बर्ट की जो पंचपदी है एक एक ले करके व्याख्यात्मक ढंग से हम लोग चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी आपको लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो पहला चलते हैं कि अब हम इसको मिटा दें, पेन और कॉपी लेकर के कहते हैं कि लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि लिखना एक बार और पढ़ने 100 बार के पढ़ने के बराबर एक बार लिखना है, तो जरूर लिखिएगा। और संस्कृत ऐसी चीज़ है, शिक्षण ऐसी चीज़ है कि लिख लिए तो अगर आप लिख लिए तो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, और पढ़िए मत, 100 बार के पढ़ने का अच्छा है एक बार आप लिख लीजिए, एक बार पढ़िए और एक बार लिख लीजिए और फिर एक बार पढ़ लीजिए, वो कंठस्थ हो जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो चलते हैं हम क्रमशः इसमें प्रस्तावना में जो पंचपदी है उसको ये क्रम से लेकर के चलते हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत कम है लोग देख,
हाँ नए सारे वीडियो आपको मिलेंगी है, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे। आप थोड़ा सा ई लर्निंग विथ टेलीग्राम में जाइए या जो है ई लर्निंग विथ दुर्गे चैनल में जाइए और उस पर सारी वीडियो आपको मिलेगी, उपलब्ध होगी सब, हर विषयों की, हर शिक्षण सूत्र की, सभी का आपका उपलब्ध है। और नोट्स चाहिए तो ई लर्निंग विथ जो टेलीग्राम है उस पर नोट्स भी है, उसको भी आप ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम प्रस्तावना और इसको क्या कहते हैं अगर भोजन करना है तो उसके लिए भी कर्म करना होता है, बनाता कोई है, अगर भोजन करना है तब भी वहाँ पर उठ करके भोजन करने के लिए जाना भी पड़ता है। तो अगर आपको जो है अच्छा से अच्छा संस्कृत भाषा डाले हुए हैं तो संस्कृत को ज़रूर आप पढ़िए, और कम से कम अगर 15-20 कर लेते हैं हर जगह हर शिक्षण में 15-30 नंबर में अगर आप 15 ही कर लेते हैं तो अच्छा से अच्छा आपको जो है अंक मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है, चलते हैं। अब अगला है प्रस्तुति, ये प्रस्तुतिकरण, इसको भी मिटा देते हैं, लिखने के लिए दिक्कत हो रही है। आगे क्या पढ़ रहे हैं, हरबटी पंचपद, किसी ने अभी प्रश्न नहीं किया है, शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत ही संस्कृत ऐसी चीज़ है कि बहुत कम समझ में आता है और तुक्का मारते हैं सब लोग, अधिक सही हो जाता है। प्रस्तावना विधि, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रस्तावना विधि को पढ़ते हैं। हर्बर्ट पंचपदी पाठो स्थापनम था, हाँ हट जा रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, प्रस्तावना पाठो स्थापनम कह रहे हैं, प्रस्तावना पाठो स्थापनम, लिखते जाइए और पढ़ते भी जाइए, लिखेंगे अच्छा रहेगा। हाँ तो लिखते भी जाइए और ताकि ये आपको नोट्स के रूप में तैयार हो जाए, हमेशा आपको काम उपयोगी होगा, हमेशा के लिए उपयोगी होगा। और चलिए प्रस्तावना में चलते हैं, सबसे पहले हम करें अस्मिन स्तरे शिक्षण विधि, अस्मिन स्तरे शिक्षण विधि, अब एक एक, हाँ ठीक है, हम एक एक करके आप पढ़ते हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं कि मतलब इसका अर्थ है, अस्मिन विधे अस्तरम अस्तरे शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य, शिक्षण विधे मुख्य दिखाई दे रहा है, मुख्य उद्देश्य इसका यानी कह रहे हैं अस्मिन स्तर, यानी इस स्तर का कर प्रस्तावना या पाठ स्थापनम स्तर का शिक्षण विधि, यानी इस शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हाँ ठीक 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 कह रहे हैं, अस्मिन स्तरे शिक्षण विधि मुख्य उद्देश्य है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञानम ग्रहणम हेतु, नवीन ज्ञानम ग्रहणम हेतु, ग्रहणम हेतु अस्मिन स्तरे शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान ग्रहणम हेतु समुचित वातावरण क्रियते, यानी समुचितम वातावरणम क्रियते, क्रिय धातु है
और क्रिया माने करना होता है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अस्मिन स्तरे, यानी स्तर यानी इस स्तर पर कह रहे हैं, अस्मिन स्तरे शिक्षण विधे, शिक्षण विधे यानी शिक्षण विधियाँ, कह रहे हैं कि इस स्तर यानी इस विधि, इस विधि के माध्यम से जब अध्यापक यानी शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नवीन ज्ञानम ग्रहणम। नवीन माने क्या होता है, नया, और ज्ञानम यानी ज्ञानम ग्रहणम, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अध्यापक सही नहीं चल रहा है वीडियो, बर्फिंग हो रहा है, देखिए भाई वीडियो सही नहीं चल रहा है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक ठीक अभी चलेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर जौनपुर में पहली बार, हाँ हाँ सही बात है कि जौनपुर में ऐसा कोई नहीं पढ़ाया है शिक्षण को ऐसे तरीके से पढ़ाने वाले, हम तो कहते हैं कि सब अध्यापकों को स्तर अलग अलग है पढ़ाने का और अलग अलग ही रहेगा, कहते हैं कि हमारी तरह तो हमसे अच्छे अच्छे हमारी तरह तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हमारे जैसा नहीं मिलेंगे और हर प्राणी के जैसा कोई मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, और जहाँ तक कि बात यह है कि धन्यवाद धन्यवाद, चलिए हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। अस्मिन् स्तरे शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञानम ग्रहणम, ये जौनपुर में एक मिसाल आने वाले भविष्य में बनेगा कि जो है एक ही कोचिंग रह जाएगी, जिससे चलते आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसका नाम होगा। अस्मिन् स्तरे शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञानम ग्रहणम, ग्रहण माने ग्रहण करना, अब क्या ग्रहण करना, नया ज्ञान ग्रहण करना, अब कह रहे हैं कि इस शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा नया ज्ञान ग्रहण करे, पुराने ज्ञान को लेकर के नए ज्ञान को ग्रहण कराना ही मुख्य उद्देश्य होता है, यानी प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रस्तावना और पाठो स्थापना का स्थापन यानी पाठोपय स्थापनम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नए ज्ञान को अर्जित कराना, नए ज्ञान को ग्रहण कराना, इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। अहम नहीं, अनुभव तर्क प्रति मैं अहम नहीं करता हूँ, संस्कृत का हूँ मैं, कभी भी अहम नहीं करता हूँ मित्रों, मैं सर विश्वास अनुभव है, मैं अनुभव को बताता हूँ, और इस शिक्षण सूत्र में जो असर देखते हैं बहुत बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, और जो चीज़ उनको मिलनी नहीं चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, हाँ चलिए, अस्मिन् स्तरे शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञानम ग्रहणम, यानी कहते हैं अस्मिन् स्तर शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, और करें हेतु समुचित वाता, यानी करें कि शिक्षण मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए करने के कारण, हेतु माने क्या होता है, कारण समुचित वातावरणम क्रियते है, समुचित वातावरण करते हैं या क्रिया करते हैं, कहते हैं कि शिक्षण जब अध्यापक अगर शिक्षण कार्य करने से पहले ये सोच के जाता है कि इसका ये प्रस्तावना विधि से अगर शिक्षण कार्य करता है तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए, नए ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो है समुचित वातावरण बनाया जाए, उसके अनुकूल वातावरण बनाया जाए, और उसके जैसा वातावरण अगर नहीं बनाया जाएगा तो व्यक्ति यानी शिक्षार्थी आपके शिक्षण में रुचि भी नहीं लेंगे और आपके पाठ योजना को पढ़ेंगे भी नहीं सही तरीके से और आपका शिक्षण भी प्रभावशाली नहीं होगा, ये मुख्य उद्देश्य कर प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता था इसका।
करें। प्रस्तावना का ये मुख्य उद्देश्य होता था कि पाठो स्थापनम अस्मिन् स्तरे शिक्षण विधे मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञानम ग्रहणम हेतु समुचित वातावरणम क्रियते, अनुकूल वातावरण क्रियते यानी करते हैं, तब जा कर के नए ज्ञान को जो है ग्रहण करते हैं। जैसे आप प्रस्तावना निकलवाते हैं, आगे पूछते हैं जहाँ उनको आता है और आता रहता है, उसको प्रश्न पूछते हैं, जो अंत में आपको समस्यात्मक जब प्रश्न होता है तब आप जो है बच्चा नहीं बता पाता, अगर बता लेता है तो और प्रश्न पूछते हैं, और जहाँ तक उसको आता है वहाँ तक जब वो बताता है, और उसके बाद जब नहीं आप प्रश्न अपने आपके प्रश्न का अध्यापक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो वो जो है वहीं से कहता है कि आज हम इस प्रकरण को मिलकर के अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वो वातावरण को बनाता है। यदि शिक्षण कार्य करते हुए अगर समुचित वातावरण नहीं बनाया गया, तो वो शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। पहले वातावरण को बनाया जाए, जब वातावरण को बनाया जाएगा तब उस वातावरण में अगर उस शिक्षण का कार्य किया जाता है तो वो जो है प्रभावशाली होता है और नए ज्ञान को शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी सीखता भी है और शिक्षण भी प्रभावशाली होता है। और इसके लिए शिक्षार्थियों को है उतना कहीं ज़्यादा जरूरी शिक्षक को भी है। शिक्षक को उसका वातावरण बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी और उस कठिनाइयों को जूझते हुए अपने पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए तो वो जो है इस पाठो स्थापना है वो उस विधि का वो प्रयोग करता है। आगे चलते हैं, समुचित वातावरण क्रियते है। अब आगे चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं आपको व्याख्यात्मक ढंग से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं एक एक करके पॉइंट डालते चलिए और लिखते भी चलिए और शेयर भी ज़रूर करिए ताकि आप लोग और आपके मित्र हमारे मित्र बंधु इस वीडियो को देखें। और अस्मिन् स्तरे ज्ञात अज्ञातम वर्धते, अस्मिन् स्तरे ज्ञात अज्ञातम, अस्मिन् स्तरे ज्ञात अज्ञातम कह रहे हैं कि अस्मिन् स्तर यानी इसका स्तर क्या है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। सब लोग जानते होंगे ज्ञात अज्ञात हिंदी में भी पढ़ाया गया होगा, मनोविज्ञान में भी पढ़ाया गया होगा तभी सब लोग जानते भी होंगे और इतना व्याख्यात्मक ढंग से हम नहीं चलते हैं। ये ज्ञातम अज्ञातम जो जानता है यानी कह रहे हैं कि जो जान रहा है, एक अध्यापक का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है जो शिक्षार्थी जानता हो और उस जानते हुए को लेकर के जो वो नहीं जानता है उसकी ओर ले जाना। और कह रहे हैं वर्धते माने बढ़ाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ाता है जो उसको नहीं जाने, वर्धते ज्ञात से अज्ञात की ओर वर्धते यानी बढ़ाता है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना अगर पाठो स्थापनम के माध्यम से अगर कोई पढ़ाता है तो वो कह रहे हैं कि इसका मुख्य बिंदु यही होता है कि ज्ञात अज्ञातम वर्धते माने क्या होता है, बढ़ाना। वर्धते का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना। ठीक, अच्छा ठीक, कह रहे हैं कि अस्मिन् स्तरे ज्ञातम अज्ञातम वर्धते यानी अस्मिन् स्तरे यानी इस स्तर पे, किससे स्तर पर, ये प्रस्तावना या पाठो स्थापनम के स्तर पर अगर शिक्षक एक शिक्षण कार्य करता है तो सबसे पहले शिक्षार्थियों क्या करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, वो ई लर्निंग विथ दुर्गेश सर जाइएगा तो उस पर सारे चीज़ें आपको मिलेंगे, या तो टेलीग्राम पर भी या तो यूट्यूब पे भी जाइए, सारे वीडियो मिलेंगे आपको। चलिए ठीक है, आप जोधपुर से हैं, बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है इस चैनल में।
आगे चलते हैं, करें कि नवीन ज्ञान बोधाय, नवीन ज्ञान बोधाय पूर्व ज्ञानम निश्चितम, पूर्व ज्ञानम निश्चितम दिखाई दे रहा है सभी लोग को? चलिए ठीक है, नवीन ज्ञान निश्चितम भवति स्वीकृते, भवति स्वीक्रियते, स्वीक्रियते नवीन ज्ञानम बोधाय पूरी ज्ञानम निश्चितम भवति स्वीक्रियते, भवति स्वीक्रियते। कहते हैं नवीन ज्ञानम बोधाय पूरी ज्ञानम निश्चितम भवति स्वीक्रियते, स्वीकार करते हैं, यानी कहते हैं स्वीकार करते हैं, क्या कहते हैं कि स्वीकार करते हैं, कहते हैं नवीन ज्ञान को स्वीकार करते, भवति माने होता है, स्वीकार करते, स्वीक्रियते है यानी स्वीकार करते हैं, क्रियते है माने क्रिय धातु है, करना है, स्वीक्रियते है यानी स्वीकार करते हैं। अब कहते हैं नवीन ज्ञान मतलब होता है नया ज्ञान, कह रहे हैं कि ये प्रस्तावना पाठो स्थापनम, मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए। घर पर बच्चा तो पुराने ज्ञान को याद किया हुआ, कुछ चीज़ उसको याद है और जो नहीं याद है उस चीज़ को जो है क्या करता है, उस नए चीज़ को ज्ञान को ग्रहण कराने के लिए वो समुचित वातावरण बनाता है। जब वातावरण ही नहीं बनेगा, माहौल ही नहीं बनेगा शिक्षा का, तो जो है आपके उसको याद भी नहीं हो। जैसे घर भी माहौल बनाना चाहिए, अगर अच्छे तरीके से, जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके आपके परिवार में माहौल नहीं है शिक्षा का, माहौल नहीं है अर्थात वातावरण नहीं है, तो छोटे बच्चे हैं वो जो है उसी में ढलेंगे जिसका परिवार भी अच्छा, थोड़ा ऊपर लिखें, ठीक पढ़ दे रहा हूँ, सुनते रहिए। कह रहे हैं कि अस्मिन स्तरे ज्ञात अज्ञातम वर्तते, यानी पहला एक मुख्य बिंदु था इससे इसके लिए ज्ञात से अज्ञात, शिक्षक ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। और दूसरा है कि नवीन ज्ञानम बोधाय, नवीन ज्ञान कह रहे हैं नवीन ज्ञान नया ज्ञान बोधाय यानी बोध के लिए पूरी ज्ञानम निश्चितम, जो पूरी ज्ञान है उसको निश्चित करने के लिए निश्चित स्वीकृत है भवति। कहते हैं कि यह जो है करें कि यह निश्चित ज्ञान के लिए नवीन ज्ञानम बोधाय पूरी ज्ञानम निश्चितम भवति स्वीकृते, यानी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी ज्ञान निश्चितम यानी उस पूरे ज्ञान को निश्चित करने के लिए स्वीकृत है यानी इसको स्वीकार करते हैं। पूरी ज्ञान जो होता है, पहले से ज्ञान कुछ प्राप्त होता है और उस ज्ञान को निश्चित करने के लिए इस स्तर का प्रयोग करते हैं, और नए ज्ञान के लिए, नए ज्ञान की बोधाय के लिए, नए ज्ञान को बोध के लिए, नवीन ज्ञानम यानी नवीन ज्ञान को बोध के लिए पूर्व ज्ञानम यानी पूर्व ज्ञान को निश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका एक अर्थ है नवीन ज्ञान यानी नवीन ज्ञान याद करने के लिए कहते हैं नवीन ज्ञान करें इसमें नवीन ज्ञान नए ज्ञान नवीन ज्ञानम बोधाय, बोधाय माने सीखना भी हो सकता है, करें नवीन ज्ञानम यानी नवीन ज्ञान यानी नवीन ज्ञान को सीखने के लिए, नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूरी ज्ञानम निश्चितम, पूरी ज्ञान निश्चित होना यानी पूरी ज्ञान होना जरूरी है, स्वीकृत है, ऐसा स्वीकार किया गया है। कहते हैं अच्छा थोड़ा ऊपर लिखें, जरूर ऊपर लिखेंगे, चलते हैं इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको मिटा देते हैं, आगे चलते लिखते हैं क्या लिखते हैं
कि नवीन ज्ञानम, नवीन नवीनम ज्ञानम, ज्ञानम नवीन ज्ञानम बोधाय, बोधाय पूर्व ज्ञानम, पूर्व ज्ञानम निश्चितम, निश्चितम भवति क्रियते, नवीन ज्ञानम बोधाय पूर्व ज्ञानम निश्चितम भवति स्वीक्रियते। ये क्रियते थोड़ा सा गलत हो गया, स्वीक्रियते है, यानी कहते हैं यहाँ पर होगा स्वीक्रियते, स्वीक्रियते। इनका मकते हैं कि नवीन ज्ञान को सीखने के लिए, नवीन ज्ञान को जानने के लिए, बोधा यानी ज्ञान यानी सीखने के लिए भी आवश्यकता कह सकते हैं, और करे जानने के लिए नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञानम निश्चितम भवति, पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। यदि नया ज्ञान सीखना है तो बच्चों को यानी शिक्षार्थियों को पुराना ज्ञान होना जरूरी है। पुराने ज्ञान के माध्यम से ही हम उनके नए ज्ञान को ग्रहण कराते हैं। अगर पुराना ज्ञान नहीं है, पूर्व ज्ञानम यानी कह रहे हैं कि नवीन ज्ञानम बोधाय, नवीन ज्ञान के लिए, नवीन ज्ञान को सीखने के लिए या नए ज्ञान को सीखने के लिए, नवीन ज्ञान को सीखने के लिए या नए ज्ञान को सीखने के लिए कहते हैं पूर्व ज्ञानम निश्चितम भवति, यानी कि पूर्व ज्ञान होना निश्चित, पूर्व ज्ञान होना चाहिए। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं पुराने ज्ञान भी होना चाहिए। बिना पुराने ज्ञान के जो बाबू ये नहीं कर पाएंगे, नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते है। अब कहते हैं स्वीकृत है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया। प्रस्तावना पाठो स्थापना ये पाठशाला विधि का एक है। पूर्व ज्ञानम स्वीकृत है यानी कहते हैं कि नवीन ज्ञानम बोधाय पूर्व ज्ञानम निश्चितम भवत स्वीकृत है, यानी नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान निश्चितम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है। कह रहे हैं कि नए ज्ञान को सीखने के लिए, पूछ दिया कि नए ज्ञान को सीखने के लिए कह रहे हैं कि क्या, कह रहे हैं कि क्या होना जरूरी है, तो यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। जब पूर्व ज्ञान से ही हम नए ज्ञान की ओर ले जाते हैं, वो एक माध्यम हो गया। आगे चलते हैं, पुनः जो नहीं देख पाए सॉरी माफी चाहते हैं, पुनः अगर जिसका कोई समस्या हो पुनः कमेंट करके लिखें और पूछें, हम नहीं देख पाए। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखें। प्रस्तावना प्रस्तावनाया, प्रस्तावनाया ये शब्द बार बार आए, प्रस्तावना या मुख्यार्थ है। देखिए मुख्यार्थ माने मुख्य अर्थ, सब लोग जानते होंगे प्रस्तावना या मुख्यार्थ, प्रस्तावना या मुख्यार्थ, प्रस्तावना या मुख्यार्थ उद्दीपक रूपेण, उद्दीपक रूपेण, मुख्यार्थ उद्दीपक रूपेण कार्य क्रियते। सॉरी माफी चाहते हैं, कार्य कार्य क्रियते
प्रस्तावना का मुख्य कार्य, मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ होता है किसका? प्रस्तावना का। किसका? प्रस्तावना का मुख्य कार्य, मुख्यार्थ है, मुख्य अर्थ होता है। देखिए मुख्यार्थ अलग अलग नहीं लिखा गया है, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो संस्कृत में जब आपको गद्य पद्य आवे तो आप उसको संधि विच्छेद करके आदि आप पढ़ेंगे तो उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होता चला जाएगा। जब तक आप संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा, भाव नहीं आएगा, और जब उसका भाव नहीं पता होगा तो आप उत्तर भी गलत लेके आएंगे, दे के आएंगे उत्तर। उद्दीपका उद्दीपक रूपेण कार्य क्रियते, कार्य करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना का मुख्य कार्य, प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? उद्दीपक के रूप में कार्य करना। उद्दीपक यानी उद्दीपक के रूपेण रूप में कार्य करना। प्रस्तावना का मुख्य कार्य होता है उद्दीपक। उद्दीपक करें, प्रस्तावना का मुख्यार्थ अर्थ होता है उद्दीपक रूपेण। उद्दीपक आप लोग पढ़ चुके भी होंगे, सभी लोग अपना थोड़ा सा कमेंट में लिखिए उद्दीपक माने क्या होता है, उद्दीपक का अर्थ क्या होता है। करें कि उद्दीपक करें प्रस्तावना का मुख्य अर्थ क्या होता है उद्दीपक रूप में, यानी उद्दीपक रूप में कार्य करना ही क्या कहलाता है। प्रस्तावना का मुख्य अर्थ होता है उद्दीपक के रूप में कार्य करना। और यह था आपका मुख्य मुख्य बिंदुओं का प्रस्तावना पाठ या प्रस्तावना या पाठ स्थापनम। अब आगे चले, नमो नमः, नमो नमः। क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ तकनीकी कारण से क्लियर नहीं हो पा रहा है। नमस्कारों में हम मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, नमो नमः। मित्रों आगे हम चलते हैं, अगला है प्रस्तुतिकरण। इसको नाम विषयोपस्थापनम कहते हैं, विषयोपस्थापनम। लाइक और शेयर जरूर करिए, निवेदन है सभी से। चलें आगे चलते हैं, हमने पढ़ लिया, अब आगे मैंने प्रस्तावना पढ़ा, प्रस्तावना विधि पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रस्तुतिकरण विधि। और प्रस्तुतिकरण विधि में अस्मिन स्तरे विषय वस्तु, अस्मिन स्तरे विषय वस्तु विषय वस्तु अस्मिन स्तरे विषय वस्तु पूर्ण रूपेण प्रस्तुतम पूर्ण रूपेण छात्राणाम अभिमुखम प्रस्तुयते।
चलिए इसका भी अर्थ जान लेते हैं। अस्मिन् स्तरे, किस स्तर पर करें कि हर मतलब सभी शिक्षक का पढ़ाने का जो स्तर होता है भिन्नम भिन्नम भवति, यानी भिन्न भिन्न होता है। तो इस स्तर से अगर जो शिक्षण कार्यकर्ता जो शिक्षक महोदय करते हैं उनकी विशेषता क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्या कह रहे हैं, यस्मिन् स्तरे विषय वस्तु पूर्ण रूपेण छात्राणाम अभिमुखम प्रस्तुति, अभिमुखम उनके सामने, अभिमुखम यानी उनके सामने प्रस्तुत करता है। क्या करता है, कह रहे हैं अस्मिन् स्तरे यानी इस प्रस्तुतकरण विषय स्थापनम के शिक्षण विधि के माध्यम से इस स्तर बाद विषय वस्तु, अध्यापक है विषय वस्तु, अध्यापक अपने विषय वस्तु को पूर्ण रूपेण से यानी पूर्ण रूपेण से यानी पूर्ण रूप से छात्राणाम छात्रों को अर्थात शिक्षार्थियों को अभिमुखम शिक्षार्थियों के सम्मुख यानी शिक्षार्थियों के सामने क्या प्रस्तुत है यानी प्रस्तुत करता है। करें इस शिक्षण विधि के माध्यम से करें अस्मिन् यानी इस स्तर यानी इस अस्मिन् विधे यानी अस्य अंतर्गत है यानी इस विधि के अंतर्गत अध्यापक है विषय वस्तु, अध्यापक है अपने अध्यापक अपने विषय वस्तु को पूर्ण रूपेण पूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से क्या करता है छात्राणाम यानी छात्रों के सम्मुख अभिमुखम यानी सम्मुख यानी सामने क्या करता है प्रस्तुत है यानी प्रस्तुत करता है यानी शिक्षण प्रस्तुतिकरण है यानी प्रस्तुति करना। मैंने आप लोग को बताया प्रस्तुत करना भी एक कला होता है। कह रहे हैं कि जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रस्तुत करने की जो तरीका है और वो भी प्रस्तुतिकरण इसलिए रखा गया है कि वो सही तरीके से कक्षायाम अपने कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख अपने विषय वस्तु को छात्रों छात्राणाम अभिमुखम यानी छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देना ही क्या कहलाता है प्रस्तुतिकरण या विषय स्थापनम कहलाता है। जो विषय है उस विषय को अच्छी तरह से पूर्ण रूप से जो है प्रस्तुत कर देना ही प्रस्ताव या प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है और शिक्षक जो है अपने शिक्षण विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख अब कैसे प्रस्तुत कैसे करता है शिक्षक के ऊपर डिपेंड है। ये शिक्षक के ऊपर ही लागू होता है कि उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है। अगर अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा तो रुचि लेंगे, अगर अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं होगा तो रुचि नहीं लेंगे। प्रस्तुतिकरण भी करना एक है। अगर जैसे कहते हैं शिक्षक अगर जो पढ़ाने से पहले ये सोचे कि हम किस चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं और मैं पद्य को पढ़ाने जा रहा हूँ या गद्य को पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर पद्य है अगर हम गद्य की तरह पढ़ाएंगे तो वो रोचक नहीं होगा, उसमें रुचि ज्ञान नहीं रुचि शिक्षार्थी नहीं लेंगे। और जब रुचि नहीं लेंगे और उसमें उनके अंदर जिज्ञासा भी नहीं उत्पन्न होगा आपके पाठ्यक्रम में आपसे आपके जो पाठ्यक्रम होगा या पाठ योजना होगा जो विषय वस्तु होगी उसमें भी छात्र आपके रुचि नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ी होता है प्रस्तुतिकरण। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं कि वो उनको आता तो रहता है लेकिन सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कम जानते हैं लेकिन उनकी प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छी होती है और उसमें शिक्षार्थी ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है प्रस्तुतिकरण। हमारे पाठशाला जो विधि था उस विधि में ये विधि बहुत इस विधि के माध्यम से गुरु लोग जो है पढ़ाते थे। कह रहे हैं प्रस्तुतिकरण यानी सबसे ज़रूरी ये भी था प्रस्तुतिकरण यानी लिखने का साधन था यानी शिक्षक इतने ढंग से प्रस्तुत करता था कि बालक जो है सीख लेता था। जो वहाँ के शिक्षार्थी होते थे वो सीख लेते थे, लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, साधन नहीं था लिखते का। अब तो लिखने की भी साधन हो गया, तब भी सब लोग बहुत ही मंद गति से काम कर रहे हैं साधन होने के बावजूद। तो अस्मिन् स्तरे विषय वस्तु पूर्ण रूपेण छात्राणाम अभिमुखम प्रस्तुयते है
यानी कह रहे हैं अस्मिन स्तरे, यानी इस स्तर पर विषय वस्तु, अध्यापक है विषय वस्तु, अध्यापक अपने विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्र अभिमुखम यानी छात्रों अभिमुखम, यानी कि छात्राणाम अभिमुखम यानी छात्रों के सम्मुख यानी सामने प्रस्तुत है यानी प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट चलते हैं हम, अस्मिन् काठिन्यनिवारणं अस्मिन् काठिन्यनिवारणं आदर्शवाचनं आदर्श वाचन कभी कभी एग्जाम में पूछा गया था जिनमें कि बालक न क्रियते है, बालक नहीं करता है, क्या बालक नहीं करता है, कमेंट में आप लोग बताइए कि कह रहे हैं कि कक्षा में बालक नहीं करता है, कहते हैं कक्षायाम बालके न क्रियते है, यानी कक्षा में बालक नहीं करता है, कमेंट में लिखिए। आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग भी एक भावी प्रभावी शिक्षक हैं, आप भी कक्षायाम बालक है यानी बालक कक्षा में क्या नहीं करता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं। बहुत बढ़िया रिंकू भाई, मित्र कह रहे हैं कि आदर्श वाचन शिक्षक नहीं बालक नहीं करता है, बहुत बढ़िया उत्तर देंगे, बहुत खुशी हुई। और इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए। अच्छा अच्छा पेपर फर्स्ट का है सर ये, आदर्श वाचन टीचर करेगा, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। फिर से जो अभी जुड़े हैं उनका ई लर्निंग विथ दुर्गेश में चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। करें अस्मिन् काठिन्यनिवारणम् आदर्शवाचनम्, आदर्शवाचनम्, आदर्शवाचनम् व्याख्या अशुद्ध संशोधनम्, व्याख्या व्याख्या अशुद्ध अशुद्धम् संशोधनम् संशोधनम् इत्यादि सन्ति, इत्यादयः सन्ति, सन्ति माने है होता है, कैसे अस्मिन् काठिन्यनिवारणम् आदर्शवाचनम् व्याख्या अशुद्धम संशोधनम इत्यादि इत्यादि आदि संति। देखिए कई मैंने आपको गोला में कर दिया है। कहते हैं प्रस्तुत काठिन निवारण आदर्श वाचनम, कह रहे हैं अस्मिन् काठिन्य निवारण, इसमें कह रहे हैं इस प्रस्तुतिकरण में क्या है, काठिन्य निवारणम, जो काठिन्य है, काठिन्य निवारण यानी कठिनता को निवारण करता, जो शब्द की कठिनता है उसका निवारण करता है, किसके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, हाँ करें शिक्षक जो कठिन है उसके फिर उसके बाद उस काठिन्य निवारण के लिए क्या करता है, आदर्श वाचन करता है, कौन करता है, शिक्षक करता है, कौन करता है, शिक्षक यानी अध्यापक से, यानी अध्यापक लोग करते हैं। और व्याख्या अशुद्धम, और जो व्याख्या का अशुद्ध है, कह रहे हैं कि व्याख्या व्याख्या अशुद्धम
यानी जो व्याख्या करने जो अशुद्धियाँ हैं उसको संशोधनम यानी इस प्रस्तुतिकरण के शिक्षण के माध्यम से संशोधन करके इत्यादि यदि यानी प्रस्तुत करता है इत्यादि यानी संति है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कठिन शब्दों का यानी कठिन शब्दों का निवारण करना, आदर्श वाचन करना और व्याख्या जो अशुद्ध हो उसको संशोधन करके इत्यादि संशोधन करके प्रस्तुत करना प्रस्तुतिकरण करना ही प्रस्तुतिकरण या विषयोपस्थापनम शिक्षण विधि कहलाता है। ऐसमें कह रहे हैं फिर से देख लेते हैं हम लोग इसमें कह रहे हैं कि अस्मिन् काठिन्य निवारणम आदर्श वाचनम व्याख्या अशुद्धम, जो व्याख्या अशुद्ध हो और उसको संशोधनम यानी संशोधित करके इत्यादयः इत्यादि आदयः यानी इत्यादि आदि संति यानी है यानी इत्यादि आदि का जो है संशोधन करके क्या करता है प्रस्तुतिकरण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि शुद्ध उच्चारण करना और कठिन शब्दों को प्रस्तुतिकरण मतलब होता है कि कक्षा एक के पाँच के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और बीए स्तर की तरह पढ़ाएंगे तो रोचक नहीं होगा, जो शब्द कठिन हो उसको सरल बना करके और आदर्श वाचन करके के और व्याख्या में जो अशुद्धियां हैं उस अशुद्धियों को संशोधन करके वो शिक्षक प्रस्तुतिकरण करता है यानी शिक्षक अपने कक्षायाम शिक्षण यानी कक्षा में यानी शिक्षण में प्रस्तुतिकरण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। अब करें कि मुख्य उद्देश्य है जो इसका मुख्य उद्देश्य है और एक मुख्य उद्देश्य है कि करें मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु छात्राणाम मुखम अभिमुखम स्पष्टम प्रस्तुयते, यानी कहते हैं कि छात्रों के सम्मुख अपने विषय अध्यापक अपने विषय की वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देता है, यही जो है प्रस्तुतिकरण विषय स्थापनम या प्रस्तुतिकरण या विषय स्थापनम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः आप लोग से मिलेंगे। नमस्करोमि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ सभी को सभी मित्रों को, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए और शेयर करने के बाद लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और शिक्षण सूत्र जो ये है आपका है तो मैंने आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं को बताया है और एक एक प्रश्न इसमें से फंसेंगे, थोड़ा सा गहन अध्ययन करिएगा और उसमें देखिएगा कि मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों को सूत्रीय माध्यम से कहें कि बड़ी बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैंने छोटा कर करके आपको अनुवाद करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत की, क्योंकि सीटेट को मद्देनज़र देखते हुए मैंने आपको तैयारी हेतु मैं आपको जो है बहुत ही संक्षिप्त व्याख्यात्मक ढंग से जो प्रश्न आने वाले जो आने की संभावना है और व्यवहारिक ढंग से जो प्रश्न बनते हैं उसको आप देखते हुए उस परीक्षा के दृष्टि से परीक्षार्थियों के सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, नमो नमः मित्रों।